खबर राजनीति से जुड़ी हो या मुद्दा हो आम जनता का, खबर क्राइम की हो या खबर हो आपके शहर की, आपके प्रदेश की या फिर आपके देश की, या फिर बात हो एंटरटेनमेंट की, हम उठाएंगे आपकी समस्याओं को आपकी आवाज बनकर। मैं हूं नवेद खान। खबरों में अपडेट रहने के लिए मेरे मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए समाचार पत्र मेरठ मित्र। जय हिंद। जय हिंद। मेरठ के थाना खरकोदा क्षेत्र के जायदपुर गांव में एक बेरहम पति ने अपनी पत्नी और महज 8 महीने की बच्ची को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन घटना से क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। मैं हूं नवेद खान, आप देख रहे हैं मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज। हर खबर पर नजर, दिल को झंझोर देने वाली, रिश्ते को तार तार करने वाली खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दरअसल 1.5 साल पहले मोनू उर्फ योगेश ने पिलखवा की रहने वाली निशा से लव मैरिज की थी, जिसके बाद से दोनों में ही अनबन रहने लगी थी। जहां पूर्व में पड़ोसियों और परिजनों ने समझौता भी कराया था दोनों के बीच, लेकिन आज अचानक बेरहम कलयुगी मोनू उर्फ योगेश ने अपनी पत्नी निशा और महज 8 महीने के बच्चे को बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। हालांकि घटना की जानकारी होने के बाद पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। पुलिस अधिकारियों की माने तो आरोपी नशे का आदि था और नशे की बात को लेकर ही निशा और योगेश में अनबन रहती थी, लेकिन योगेश ने आज दोनों को मौत के घाट उतार दिया। जहां पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा है और जेल भी जा रहा है, लेकिन घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। जहां लव मैरिज से महेश 1.5 साल बाद ही प्यार करने वाले पति से क्रूरता दिखाते हुए पत्नी और बच्चे को मार दिया, जिससे पति पत्नी के रिश्ते भी कलंकित होते नजर आ रहे हैं। बहरहाल न केवल एक प्रेम कहानी और शादीशुदा लाइफ का अंत हुआ है, बल्कि प्यार के बाद शादी करने वालों के जहन में भी इस घटना को बुरी असर पड़ेगा। मेरठ मित्र से नवीद खान की रिपोर्ट। मेरा नाम तिलक राम है। तिलक राम जी, आप बच्ची के साथ घटना करा हुआ, किन लोगों ने करा क्या, और आपको कैसे पता चला? कैसे पता, मेरे यहाँ फोन गया, यहाँ से लड़की के मामा जी ने फोन करा मेरे पास में, ऐसे ऐसे लड़की को जो मार दिया गया ऐसे ऐसे। हाँ जी, फिर मैंने 100 नंबर पर फोन करा पुलिस वालों को। हाँ जी, तो मतलब ये आपको लड़की के मामा ने दी है? हाँ जी। क्या लगता है किसने मारा, कुछ पता चला? मारा तो अब ये बताओ, मेरे घर में कोई मर जाएगा ऐसी है तो कौन जिम्मेदार होगा उसका, ये बताओ। मुझे ठा के ले जाओगे ना, अगर मेरे घर में कोई मरा हुआ होगा मैं मार दूंगा तो मुझे ठा के ले जाओगे ना आप? तो है पूरे परिवार ने मारा है जी, है जब वो लड़की की स्थिति देखी होगी, आपने भी वहाँ गए होगे, आपने उसकी स्थिति देखी होगी, उसका गला बता रहे हैं, गला मार रखा, वो मार रखा, या वह चिल्लाई भी होगी लड़की तो उसकी आवाज़ नहीं गई होगी आस पड़ोस में, या हाँ जी हाँ बिल्कुल वो तो है जी, और कौन हो सकता है बताओ। हाँ जी है जी, शादी कोर्ट मैरिज करी थी उन्हें, 2 साल हो गए कोर्ट मैरिज करी थी। हाँ जी, अब ये बताओ किसी बच्चे के हमारा आना जाना नहीं है तो ये इसका मतलब ये होगा थोड़ी है ये मार देंगे उसको, या आपकी बच्ची कहीं चली जा है, समझे, आपकी बच्ची कहीं चली जा, आपका ना जाना नहीं हो और वो वहाँ मर जा तो क्या करोगे आप, हैं आप क्या करोगे फिर उस बात में बताओ। तहरीर नहीं, अभी जाएंगे व्यक्ति ने अपनी पत्नी और 8 साल 8 वर्ष के बच्चे को मार दिया है, और पुलिस टीम ने जब उसमें विवेचना में आगे गई तो ये पता चला कि वो नशेड़ी था और उसकी पत्नी उससे अलग रहना चाहती थी, इसीलिए आज सुबह उसने बच्ची को अपनी पत्नी को मार दिया है। उस अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।